दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 लाख के नकली नोटों के साथ एक शख्स को अरेस्ट किया है। आरोपी की पहचान अब्दुल रहीम उम्र लगभग 29 साल के तौर पर हुई, जो मूल रूप से मालदा वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। इसे आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर से पकड़ा गया था। पकड़े गए नकली नोट 2000 और 500 रुपए के हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक कुछ महीनों से इनपुट मिल रहा था, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए नकली नोट दिल्ली तक पहुंचाए जा रहे हैं। पुलिस इस गैंग के बारे में जानकारी जुटाने में लगी थी। 16 अप्रैल को अब्दुल रहीम के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद उसे शाम 5:30 बजे मुखबिर की निशानदेही पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर से पकड़ा गया। वह किसी का इंतजार कर रहा था। इसके पास 8 लाख कीमत के नकली नोट बरामद किए गए। इस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया वो 7वीं कक्षा तक पढ़ा है। साल 2016 में वो घर पर ही लेडीज सूट बेचने का काम कर रहा है। कपड़े खरीदने के लिए वो बांग्लादेश जाता था। उसकी गैर हाजिरी में कपड़े का काम पत्नी देखती थी। ज्यादा रुपए कमाने के लिए वो मिस्त्री का काम करने लगा। करीब 3 साल पहले वो नसरुद्दीन के घर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, तभी उसे नकली नोटों के धंधे में शामिल होने का ऑफर उसने दिया। बताया प्रति डिलीवरी के उसे 3000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए वो तैयार हो गया और फिर नसरुद्दीन के लिए काम करने लगा। नसरुद्दीन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक नकली नोट सप्लाई करने वाले लोगों से रुपयों की खेप लेकर अब्दुल रहीम को दे देता था। इसके बाद वो दिल्ली में एक्टिव इस धंधे से जुड़े लोगों को नकली नोट पहुंचाता था। पिछले कुछ महीने से अब्दुल रहीम 8 लाख पर 1 लाख रुपए बतौर अपना हिस्सा ले रहा था। लॉकडाउन के वक्त इनका धंधा बंद हो गया था, लेकिन अब ऐसे गैंग फिर से एक्टिव हो चुके हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।